आज का जो व्लॉग है ना वो व्लॉग नहीं है, वो एक फीलिंग है। मुझे अंदर से जो है ना वो गुदगुदी दे रहा है, अंदर से एक्साइटेड कर रहा है मुझे। मैंने एक और गाड़ी ली है, हैदर ने ढूंढी है, मैंने पेमेंट किया, जहांगीर भट्ट के लिए गाड़ी ली है। तबीयत तेरी नहीं लग रहा, जल्दी कर। ये देख तेरे लिए पिंजरा लिया, अब तू पूरे 30 दिन यहाँ पे बंद रहेगा। ये कल तुम्हें याद है कुछ? हाँ जी, मेरी पहली गाड़ी का रंग यही था और मेरी पहली गाड़ी थी यही गाड़ी, कल्टस। ओए पागल हो, मेरी माँ बैठी हूँ अंदर, रामलाल चला बेवकूफ आदमी। बेटा तू शियों के घर में बैठा हुआ है, 10 मिनट वेट कर ले भला, इसका रोजा खुल गया ना। खोल ले, साइड में जाके खोल ले, तेन हया नहीं आ रही, मनु अगे चक्कर आ रहे ने। तू भी कह दे पुत्र। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, रमजान अच्छा गुजर रहा होगा, रोजा रखा होगा। यार मेरे से ना ये वाली टिटो पार्टी नहीं होती कि सुबह उठो सहरी का टाइम हो गया, 5-7 मिनट सहरी जो गढ़ लो, ठीक है ना। मैं उस टाइम सहरी कर रहा हूँ, लस्सी सुपे सुपे अंडा पराठा। मम्मा 5 मिनट रह गए, पानी दे दो। मैं सहरी करता हूँ इस तरह, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उस टाइम पे शूट करना। अगर किसी दिन अच्छे तरीके से जागरा हुआ तो मैं ज़रूर आपको सहरी भी शूट करके दिखाऊंगा। रोज़ा रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना वो व्लॉग नहीं है, वो एक फीलिंग है जो कि मुझे अंदर से जो है ना वो गुदगुदी दे रहा है, अंदर से एक्साइटेड कर रहा है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तेरी क्या फीलिंग है? मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, चस आ रही है। अब इंतजार नहीं हो रहा कि हमने जाके अपने दोस्त के रिएक्शन देखने हैं। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से कुछ हल्का फुल्का सा आइडिया लगा लिया होगा, सारी स्टोरी मैं आपको बैठ के बताता हूँ, आ जाए। अच्छा जी, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हैदर और मेरी दोस्ती को तो 7 से 8 साल या 6 से 7 साल हो गए, एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों को पता ही, आपने पहले वाला व्लॉग देखा होगा। इसी तरह सेम गोज फॉर जहांगीर भट्ट। ओके डांसर जहांगीर भट्ट, वो भी मेरा भाई है। उसकी और मेरी दोस्ती को भी ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए, लेकिन ऑन एंड ऑफ बीच में बात कटती रही क्योंकि उसकी शादी आ गई, फिर उसने जॉब छोड़ी, वो अपने काम पे लग गया। हमारी जो दोस्ती थी ना वो इस तरह नहीं थी कि डेली रात को मुलाकात होनी है, लेकिन वन कॉल अवेलेबिलिटी फ्रेंडशिप थी हमारी। उसने मुझे एक कॉल करनी, मैं अवेलेबल हूँ, मैंने उसको एक कॉल करनी, वो अवेलेबल है, हम लोग कनेक्टेड थे, मिलते रोज़ नहीं थे, लेकिन दोस्ती हमारी को 7 से 8 साल हो गए। आज का जो हमारा व्लॉग है वो जहांगीर भट्ट के ही लिए है और जहांगीर भट्ट का ही हम काम करने जा रहे हैं, इनफैक्ट काम कर दिया उसको, आज सरप्राइज देना मैंने भाईजान। अच्छा जी, मेरी माँ कहती है अगर आप 4 रुपये कमाते हो ना तो 1 रुपये अपनी ज़ात पर लगा लो, 1 रुपया अपने रिश्तेदारों पे लगा दो, 1 रुपया अपने इर्द गिर्द के मुस्तहिक लोगों पे लगा दो, 1 रुपया कल के लिए सेव कर लो। अगर आप ये एजेंडा रखते हो तो आपके पैसे कभी ख़त्म नहीं होते, आपको उतने ही पैसे अल्लाह की तरफ से और मिल जाते हैं। ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है जो मैं अंदर जाऊँगा तो अम्मा से कहूँगा आपको भी सुनाएं और मुझे भी रिवाइज़ कर दें, ज़रा मोटिवेशन मिल जाती है। अब मैं बात को ड्रैग किए बगैर आपको बताता हूँ। सीन ऐसे है कि मेरा दोस्त जहांगीर भट्ट, जो कि इसके पास एक गाड़ी थी आज से कोई 3-4 साल पहले इसके पास एक गाड़ी थी जिसका नाम था खैबर। इसने 2.5-3 लाख रुपए की ली थी, इसको शौक था, इसने स्पीकर स्पूकर लगा के पूरी यमपम गाड़ी की हुई थी। इसने गाड़ी वो सेल कर दी, मैं तब भी मना कर रहा था गाड़ी सेल ना कर, ऑन एंड ऑफ मेरा फ्रेंड था, अच्छे बुरे मशवरे के लिए मुझसे फोन पे ही रबते में रहता था हमेशा। इसको पता था यार व्हाट्सएप को अच्छा मशवरा ही देंगे बुरा मशवरा नहीं देंगे, वैसे एज में तो मेरे से सेम ही है लेकिन मेरा तजर्बा इससे ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इसको मशवरा दिया इसके अच्छे के लिए दिया और इसके हमेशा काम ही आया। अब हुआ क्या, इसने गाड़ी सेल कर दी बिकॉज इसकी शादी आ गई थी, इसके बाबा की डेथ हो गई थी, इसको पैसों की जरूरत थी या जो भी था, इसने अपनी गाड़ी सेल कर दी। मैंने तो कहा यार गाड़ी सेल ना कर, सवारी इंसान के पास होनी चाहिए। अब सीन ऐसे है कि पिछले कम से कम 2 से 3 महीने से ये भाग रहा है गाड़ी के लिए कि मैंने गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, क्योंकि माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत बेटी, बहुत ही खूबसूरत बेगम उसको अल्लाह पाक ने दी हुई है, उनका राइट बनता है कि वो गाड़ी पर आएँ जाएँ इफ्तारियाँ करें, बाइक पर कहाँ खज्जल होता मिलेगा। ठीक है, अब इसने गाड़ी बेच दी, मैंने इसको तब भी मना किया था क्योंकि तब ये जॉब करता था, मैंने इसको पंप मारे कि भाई अपना ऑफिस कर, थोड़ा कमा लेगा शुरू में लेकिन यह है कि तेरी बरकत उसमें डबल ट्रिपल होगी, हज़रत पाक सल्लम का फरमान भी है कि अपने कारोबार के अंदर बरकत ज़्यादा होती है। इसने अपना ऑफिस किया, अब ये उस चीज़ के लिए भी दुआएं दे रहा है। अब सीन ऐसे है कि भाईजान मैं पिछले इसको 2-3 महीने से देख रहा हूँ कि ये गाड़ी 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 कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है, हाँ मुशक्कत कर रहा है, लेकिन गाड़ी उसके बजट में नहीं आ रही। अब ये कह रहा था कि हम लोग खुश भी थे कि इसने कहा था कि मैं ईद से पहले पहले गाड़ी ले लूँगा, अब ये मेरे ख्याल को 5-7 दिन पहले मैंने इसको पूछा, मैं कहा हाँ की सीन है गाड़ी का, किस तक पहुंची है, क्योंकि मुझे चुल होती है भाई कि मेरे साथ साथ जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं वो भी अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छी सवारी लें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बेचौधरी हूं बाकी सारे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मुझे चूल होती है। मैंने उसको पूछा, ओ नहीं यार अब बड़ी ईद के बाद लेंगे। मैं कट्ठा ही 3 महीने लगा गैप। क्यों जी? यार वो ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद का बजट फिर आउट हो जाएगा, मेरे पास पैसे थोड़े हैं अभी। मैं कहा ठीक है ओके। मैंने हैदर को उसी टाइम बता दिया था कि गड्डी लाओ। कहता क्या करनी है? जिस दिन इसने मुझे कहा था ना कि भाई गाड़ी ईद के बाद, मैंने उसी दिन हैदर से कह दिया भाई इस बजट के अंदर गाड़ी नहीं देखो। कहता क्या करनी है ये गाड़ी? मैं कहा इसके लिए इसको गाड़ी जबरदस्ती ही लेकर देनी पड़ेगी। ये गाड़ी वैसे नहीं लेगा, ये जिम्मेदारियों में पिसता रहेगा और इसकी गाड़ी नहीं आएगी। हैदर ने भी गाड़ी देखना शुरू कर दी। और जिस दिन मैं गाड़ी लेने गया था उस दिन मैंने अंकल को भी कहा था, लेकिन अंकल के पास गाड़ी अभी नहीं आई तो वो अरेंज नहीं हो सकी। फिलहाल हमने गाड़ी ढूंढ ली है, गाड़ी का काम शाम होने वाला था, गाड़ी का काम शाम भी करवा लिया है। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, हैदर गया था, मैं गया था काम शाम करवा के। अब हैदर के घर गाड़ी खड़ी है, आपको भी गाड़ी दिखाते हैं। अम्मा को जाके अभी बताना है कि ये सरप्राइज देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं कोई अभी अरबपति नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ी सामी नहीं हूँ। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, मैंने अपने बजट के अंदर रह के एक जो गिफ्ट है गाड़ी का गिफ्ट अपने दोस्त के लिए तैयार किया है। लेकिन वो गिफ्ट है नहीं कि मैं पैसे लेने ही नहीं, जदों उसके को होंगे उन्हें दे देवे, कोई गल नहीं। खैर इसके पास भी गाड़ी है माशाल्लाह, एक नहीं दो है, मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे घर में जरूरत भी एक ही है। इसको भी गाड़ी की जरूरत थी, पहले सेल कर दी, कोई बात नहीं, अब आ नहीं रही थी, मैं ले आया हूँ, एसेट मैंने बना दिया, जब इसके पास पैसे होंगे वो मुझे दे देगा, ठीक है। अभी आपको गाड़ी भी दिखाते हैं, गाड़ी कितने की ली है वो भी बताते हैं, फिर इसको फोन करते हैं कि ये कहाँ पर है, इसको चुप के लाते हैं, इसको सरप्राइज देते हैं, अम्मा को बताते हैं, अम्मा बहुत खुश होंगी आई नो, ठीक है। उसके बाद इससे आज के आज गाड़ी की ट्रीट भी लेंगे, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया? आ जाओ चलो। यार क्या तुम बीच में आ जाती हो, चलते चलते मुझे रुकना पड़ जाता। कैसी हो तबीयत? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गड्डी आओ जी लगो कि उतर के जावो, पीछे देखने को दिल करे। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सब के नसीब में करे। आ जाओ भाई। मम्मा जी ओए सॉरी 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 सॉरी, अम्मा नमाज पढ़ रही हैं, नमाज पढ़ ली। अवैध साहब कुरान पाक पढ़े, अवैध साहब दुआओं में याद रखिएगा, आपकी मेहरबानी। प्लीज भाई भाई प्लीज भाई। अच्छा जी, अम्मा नमाज पढ़ लेती हैं, फिर अम्मा को बताते हैं, अम्मा का रिएक्शन नोट करते हैं और निकलते हैं, जाके बट को सरप्राइज देते हैं। चलो सरकार थोड़ा टाइम दे दिया, जाना। अच्छा मैंने ना आपको एक चीज बतानी है, एक न्यूज देनी है आपको मैंने। क्या? दे दूं? हाँ खैर की अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक काम किया, आपको उसका आइडिया नहीं है। अपनी गाड़ी तो पसंद आ गई ना आपको, बहुत है ना, पसंद आई है, पक्की बात है। सारे बच्चों को, हाँ, तो मैंने एक और गाड़ी ली है, ठीक है, कल की डेट में हैदर ने ढूंढी है, मैंने पेमेंट किया और अभी हैदर की गाड़ी खड़ी है। पूछो किस लिए? जहांगीर भट्ट के लिए गाड़ी ली है, क्योंकि आपको भी पता है वो कितनी देर से ट्राई कर रहा था गाड़ी लेने की, ठीक है, उसका बजट ही नहीं था बन रहा, शेख जिया ना है थे बाटे, लेकिन उसका बजट बन नहीं रहा था, वो ले ही नहीं पा रहा था, तो हमने बस ले लिया। और अब होगा ऐसे नहीं, वो कोई ना कोई और काम, खैर मैरिड आदमी है ना, कोई ना कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर नया नया अभी उसने काम शुरू किया है, तो अभी वो सही अपने पीक पे नहीं गया, इंशाल्लाह एक साल डेढ़ के अंदर अंदर पीक पकड़ेगा अपने काम में, तो उसका और बेहतर हो जाएगा निजाम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिलहाल गाड़ी वो नहीं ले पा रहा था, मैंने हैदर ने गाड़ी ढूंढी है और हमने गाड़ी ले ली है, गाड़ी का काम शाम भी करवा लिया, हैदर की घर खड़ी है, आज बस उसको सरप्राइज देना, ठीक है। और जितनी की मेरी औकात थी, जितना मेरा बजट था, उसके अंदर मैंने ले लिया, जब उसके पास पैसे होंगे मुझे पैसे वापस कर देगा। मैं उन्हें गिफ्ट नहीं किया, गाड़ी वही देख रहा था वो, हाँ। वो इंजन नहीं गाड़ी, क्रूजर देख रहा था, मैं ले लिए, हाँ। वो यही गाड़ी ढूंढ रहा था, लेकिन इसके बजट में नहीं आ रही थी, मैंने थोड़ा सा अप मॉडल ही लिया उसके लिए, जब उसके पास पैसे होंगे 6 महीने बाद साल बाद वो मुझे वापस कर देगा पैसे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, खुश हो गए आप? अच्छी बात है, पक्की बात है। मैंने आपको एक बात बता, बार बार मैं आपको सुना, मैं यही बात आपको कहने लगा था कि आप बचपन में मुझे रिजक की फरहमी के लिए, रिजक बढ़ाने के लिए एक कुलिया एक किस्सा सुनाते थे मौला के टाइम का, वो सुनाते थे मुझे भी और इन सबको भी। मैं वही आपको बताने लगी थी कि इस मैंने जो बचपन तुम्हें सुनाया ना, देखो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये फर्ज है माओ पे, मैंने मजलिस में सुना था ये कि एक बंदा था बहुत ही मुफलसी में था वो बेचारा। मम्मा थोड़ी सी ना आसान उर्दू में बोलना, मुफलसी मुझे समझ में आ गई है, कुछ लोगों को नहीं आएगी। बहुत ना उसके हालात बहुत खराब से खराब गुर्बत में था, वो ना मेरे वक्त के, उस वक्त मेरे वक्त का इमाम थे, वो उनके पास पहुंचा कि मौला मेरी किस्मत में जितना रिज़्क है ना मुझे एक दफा दे दो, मैं बहुत तंगदस्त हूं, मेरी बात हो गई है, जितना नसीब में मेरे रिज़्क लिखा होगा ना मुझे एक दफा दे दो, तो उसको रिज़्क मिल गया जितना उसके हिस्से में था। तो कुछ साल के बाद ना कुछ लोगों ने आके मौला से कहा कि मौला वो जो बंदा आपसे रिज़्क ले गया था जितना उसकी किस्मत ना, वो सारा ले गया था, अब उसके पास इतना है कि वो बंदा समझ ही नहीं आती को रिज़्क लेता कहाँ से है, हमें उसकी समझ ही नहीं आई। तो मौला ने फिर उसके बंदे को बुलाया, मौला को तो सब पता था, वो तो गैप थे, हम जानते मासूम थे। फिर मौला ने उन बंदों को जिन्होंने कहा उनको सुनाने के लिए, उनको बताने के लिए, मौला ने उस बंदे से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तेरा रिज़्क दिन दुगनी रात चौगुनी क्या तेरा खत्म ही नहीं हुआ, तुमने अपने जगह सारा ले लिया था, बाद में कहाँ से आता रहा।
तो उस बंदे ने कहा कि मोना जितनी मेरी जरूरत थी मैंने पूरी की, बाकी मैंने सब बांटा, मैंने खिला दिया गरीबों को, सब बांटा जिसको जरूरत थी मैंने सबको दिया। फिर अल्लाह पाक का फैसला देखो, फिर अल्लाह ने उनके सब के हिस्से का उनको दे के जो उनका इसका बंदा इसको बराबर मोला देता रहा, उनके साथ इसको मिलता रहा जितना इसकी जरूरत थी। हाँ। इसने फौर का वक्त खा लिया, ठीक है, बाकी इसने गरीबों में बांट दिया। अब जो उनके नसीब का था वो भी इसको मिलता था, ठीक है, और ये फिर बांटता था, फिर मिलता था, फिर बांटता था, वो इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि उसके नसीब का रिज़्क कभी खत्म ही नहीं हुआ। समझ रहे, किसी चीज पे मैं जब मुझसे सुनती मैं उसको अपने ऊपर करती हूँ, मैं सीखूं कि अल्लाह पाक मैं भी ऐसे कर रही हूँ, कसम से जबरी मैंने भी ऐसे ही पाया। मैं एक देती हूँ मुझे शाम तक दूसरे दो और मिलते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी सीन ऐसे है कि मैं निकल रहा हूँ, मैं इफ्तारी के टाइम तक आ जाऊंगा, मैंने बट का पता करना है बट कहाँ पर है, वो ऑफिस में काम ही बैठता है, बाहर ही फिर रहा होता कहीं ना कहीं, ठीक है, उसका पता करना है, उसको उठाना है, इनको गाड़ी दिखानी है, फिर बट को सरप्राइज देना है, रात की इफ्तारी हम इकट्ठी करेंगे और आज इफ्तारी बट करवाएगा, ठीक है। हाँ इफ्तारी करवाएगा, एडी महंगी गाड़ी ले लेती है। सुनो मां ना, मैं गाड़ी मेरे बेटे लिए मैं करवा देती हूं इफ्तारी। मम्मी तू कभी नहीं कराई, मेरे को तेरे को पैसे नहीं होते मेरे सारे पुत्र, क्यों तू फर्क पा। अच्छा मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैं आ रहा हूं, चल भैया जा, आ जा आ जा, निकलते हैं जी, आपको गाड़ी दिखाते हैं, हैदर के घर खड़ी की हुई है, क्योंकि मेरे घर पे एक गाड़ी का गैराज है, ठीक है, हैदर के घर खड़ी की हुई है, आपको गाड़ी दिखाते हैं जाके, और फिर बट को ढूंढते हैं, उसको फोन शोन करते हैं, कहां पर छापा मारते हैं जाके उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, बहुत ही जालिम रोजा लग रहा है, घर से निकल चुके हैं, मैं उठा भी आज लेट हूं, लेकिन स्टिल भूख बहुत शदीद लग रही है। अच्छा अब दूसरी बात ये कि हैदर हमारे साथ क्यों नहीं है, हैदर हमारे घर आया था अपनी गाड़ी पे, आगे आगे जा रहा है हमारे अपनी गाड़ी पे, घर पहुंचते हैं उसके, पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं कि हमने बट के लिए गाड़ी ली कौन सी है, हमने वही गाड़ी लिया जो वो ढूंढ रहा था अकॉर्डिंग टू हिज बजट, ठीक है, उसके बाद बट को फोन करेंगे, पूछेंगे कहां पर है, उसको ट्रैक करेंगे, उसको चुकेंगे, उसको गाड़ी दिखाएंगे, सरप्राइज देंगे, फिर उसे कहेंगे बेटा गाड़ी तो ले दी, अब तारीख करवा दे चुप करके। चलो जी गाड़ी दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, तो फाइनली अभी हमारे सामने खड़ी है हमारे दोस्त जहांगीर भट्ट की होने वाली गाड़ी। भाईजान सही सही बतानी है आपको, पसंद आई है या नहीं आई, कि एवं ही ले ली है, मेरे पैसे एवं लवाते जी, अच्छी गल है। 1 2 3 तारा। अच्छा जी, इसकी हालत थोड़ी सी जो थी ना वो नाजुक थी, लेकिन गाड़ी अपने कस्बों में है, गाड़ी जानवर है, ठीक है, तो हमने 2 दिन लगा के इसको पूरा फ्रेश करवाया है, इसकी जो है ये क्या इसे कहते हैं भाई, रिम शिम डलवाए हैं, फिर हल्का फुल्का सा पेंट होने वाला था, उसके अलावा पोशिश होने वाली थी, पोशिश भी करवाई है, चेक करो, अपने दोस्त को गड्डी देनी है तो नवी निकोर करके दवांगे, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं करवाना सिवाय पेट्रोल डलवाने के और सिवाय चलाने के। ये है जी 11 मॉडल, ठीक है, और ये हमें कितने की पड़ गई अदर टोटल, ये हमें पड़ गई 11.5 है ना, 11.5 11.5 और 50,000 रुपया ऊपर लगा दिया, 12 लाख रुपये की हमें ये पड़ गई। अब जब उसके पास 12 लाख होगा दे देगा, जो नहीं देगा तो फिर भी उसी मर्जी, कोई बात नहीं दोस्त है। अच्छा जी अभी निकलते हैं, उसको फोन करते हैं कि वो कहाँ पर है, उसको उठा के लाते हैं और यहाँ पर आके ही सरप्राइज देंगे उसको, क्या ख्याल है? गाड़ी ले जाएंगे, फोन करें, फोन करते हैं हाँ। है कहाँ पर है? अच्छा जी व्हाट्सएप को फोन कर लेते हैं, उनको पूछ लेते हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम दे देंगे या नहीं, ऑफिस है या घर है, जहाँ पर भी है हमें बता दें, हम पहुँच जाएंगे, असी तो वेले लोग। फोन और चुक ले, चुक ले। वालेकुम सलाम, क्या हाल है पट्टी साहब, ठीक ठाक हो भाई? किधर हो भाई? घर पे है भाई। घर पे हो गए नहीं ऑफिस आज आप? रोजा असी भी रखा, तू कल रोजा रखा, असी रोजा रख के भी काम कर रहे हैं, तो तू छुट्टी करके आ गए घर, उधर नहीं मजा आता भाई। बताओ किधर हो, घर पे हो? चल मैं आ रहा हूँ, रेडी रहा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। हाँ काम है भाई, ऑर्डर क्या लगाओ, कह तो रहा हूँ सरप्राइज है तेरे लिए एक, बस रेडी रहा, घर ही है ना, मैं आ रहा हूँ तुझे लेता हूँ आके। तू रोजा रख रहा, मैं तेन पैदल बुलाना, रेडी आ रहा, मैं तेन लैन दिमाग खराब कर रहा, रेडी रहा, मैं आ रहा 10 मिनट च। अल्लाह हाफिज। ड्रामेबाजी कर रहे हैं, रोजा लग रहा, सानू नहीं लग रहा, असं रोजा रख के भी मजदूरी कर रहे हैं। चल धूप में बैठे हुए हैं, धूप में ते धूप में तेरी उर्दू तो पंजाबी मिक्स हो, धूप में बैठे हुए, धूप लाओ चाबी लाओ, फटाफट करो हरिए। अच्छा जी निकल चुके हैं व्हाट्सएप को पिक करने के लिए, भाई तुझे क्या लगता है बट का क्या रिएक्शन होगा गाड़ी देख के? उसने खुशी होना और क्या होना है? मुझे लगता है उसको लगेगा मेरे साथ प्रैंक हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड उसके साथ होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, मुझे लगता है उसे लगेगा कि मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, बट साहब ब्लॉक कर रहे हैं, प्रैंक हो रहा है, या शायद हो सकता है लड़ पड़े, मैं तुम्हें क्या सी, मेरा बजट नहीं आ ले, तुम अपनी मनमानी कर दो, जिद पूरी कर ली थी ना अपनी, मैंने उसे कहा हुआ था कि मैं तुम्हें ईद तो पहले गड्डी ले देनी हूँ, और मेरा बजट नहीं आया अभी,
अच्छा यार शायद लड़ पड़े, शायद खुश हो, शायद रो पड़े, शायद इमोशनल हो जाए, जाके पता लगेगा, जो भी होगा जाके देखते हैं। चलो पहुंच चुके हैं बट साहब की तरफ, छापा मारना है बट बै जल्दी कर, जल्दी कर, बै 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 हरिया हरिया टाइम नहीं है, और गड्डी गड्डी बै बै तबीयत तेरी बै, सानू नहीं लग रहा, जल्दी कर बै हरिया 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 चुप करके बैठ जा, तेरे लिए छोटा सा सरप्राइज है, खामोशी से बैठ जा। तो भाई घर पे बैठ के भी रोजा लगना ही है, चल चुप करके तुझे मजा आएगा सरप्राइज का। आपको अगर तुझे सरप्राइज अच्छा लगा ना, अगर तुझे सरप्राइज अच्छा लगा तू आज अफ्तारी की बात है, ठीक है? नवा पंगा नहीं पाता, चुप करके भैया बस तू बोलना नहीं, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट चुप रह जाए बस, ठीक है? चलो बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा इधर आ इधर आ इधर आ, छोड़ दे जान बेगम दी इधर बाहर आ, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, आंखें बंद कर आंखें बंद कर, ओ माई डर गई बेचारी, आंखें बंद कर आंखें बंद कर आंखें बंद कर आंखें बंद कर भाई, ओके बांधी के वज मुझे ना जावा वज मेरी तो खुलियां ने ना, लो जी दरवाजा खुल गया। अच्छा मेरी बात सुन, अब तुझे जो मैं चीज दिखाने लगा ना, अच्छा। तू लड़ना लुड़ना नहीं, प्यार दे नाल वेखना ते हौसले दे नाल वेखना, ठीक है? चलो खोल दियो, हद सादा दरवाजा ही नहीं खोल रहा, आजा टक्कर ना मार दी, आया की कर रहे, मोबाइल नु क्यों मारना पे पागल, नजर ही नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा तो आंखें बंद किए में क्या नजर आएगा। अच्छा इधर आ इधर आ, आजा तू आजा पहले, बंद कर दरवाजा दरवाजा बंद कर, ओके ओके रेडी भाई, फोन पकड़ ले तू, फोन पकड़ ले, फोन पकड़ ले, सैयद की नहीं है आपकी गाड़ी है, माय फ्रेंड मेरी कहां से, मेरी कहां से आउट ऑफ नोवेयर आ गई, गाड़ी था अंकल को, गाड़ी देखी आपके लिए, कारदोन वाले अंकल को बताया नहीं था, आप भी देख रहे थे, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर नहीं, कुछ तीन चार दिन से बात चल रही थी इसके ऊपर, और आप तो पाटे लीटर की तरह वधी जा रहे हैं, वधी जा रहे हैं, गाड़ी लेंगे अब ईद के बाद लेंगे, ऐसे नहीं होगा ना, हां यार आपकी है और किसी अब्बास की कसम तेरी गाड़ी, ठीक है तेरे लिए ली, कैमरा डाला ले जा रही, क्या कह रहा है, पता भी है कि मेरा भी बजट इतना नहीं है। अच्छा मैं आपको एक खुली खुली बात बताता हूँ, मैं बात को बहुत लंबा ड्रैग नहीं करूंगा, ये गाड़ी आपके लिए नहीं ली, अपनी भतीजी के लिए ली है, अपनी भाभी के लिए ली है, आप ये गाड़ी चलाएं, जब आपके पास पैसे होंगे विद इन 6 months विद इन 1 year आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, ईजी, कोई प्रैंक नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, आपको एक फ़ोन नहीं आएगा भजन पैसे, 11 मॉडल है, ठीक है, ये हमें बढ़िया टोटल 12 लाख रुपये की काम शाम करवा, 12 लाख रुपये की बढ़िया काम शाम करवा, हल्का फुल्का काम कराया, कोई काम आपने इसका नहीं करवा, ये बाकी रेडी और किसकी है, रेडी टू ड्राइव है, और आपने इसको मूव करना है एंड दैट्स इट, ठीक है, अरे फोन पैसे की गल आ रही है ना, नहीं आप लोग आपको लेकिन पता क्या है, आपके लिए जरूरी है या नहीं है, मेरी भतीजी के लिए जरूरी है, मेरी भाभी के लिए जरूरी है, ठीक है, अब आपने इसको चलाना भी है, ये नहीं कि आपने सिर्फ वीकेंड पे निकाल, चाबी तो दबो, चाबी मैं ले आ रहा हूँ, राइड लेके आओ, दसो कैसी है चाबी, इधर इधर मेरे पास है, चाबी भाई मेरी बात सुनो, इसकी सेटअप लॉकिंग भी करवा दी है, ठीक है, उसके अलावा इसकी पैकेज भी करवा दी है, टैंकी फुल है, सही बैठो तो सही, अभी आपको पूरा पैकेज दे रहे हैं कि आप ये रंडी रोना ना डाले, वो इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है, पेट्रोल तक फुल कराता, ठीक है ना, राइड लेके आओ और फिर आगे बताओ कैसी है, आए आए आजा चलो अनलॉक करो, आए हाय हाय माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, ओए राम नाल बंदे यार, इंसान बन हुणे पैसे दिते ने बेटा, इंसाना यार चला पागल आदमी, लो जी अल्लाह करे हुण सरकार नूं गड्डी पसंद आई होवे, गाड़ी यही ढूंढ रहा था वैसे तो, भाईजान गाड़ी पसंद आई है, माशाल्लाह ड्राइव ठीक है, गाड़ी बंद नहीं करनी अभी, अच्छा मेरी बात सुन, अब भाईजान मेरी बात सुने, किधर 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 किधर
कोई रत्ती बराबर भी काम नहीं कराना, सिर्फ हमने चलानी है। जब टैंकी खाली हो जाएगी तो फुल करवा लेना, और बताना अभी चलाइए इस तरह ना चलाना, ठीक है? अभी फ्रेश कैश दिया आपको, एक सिंगल कॉल नहीं आएगी भाई जान के पैसे दे दे। एक साल का टाइम है, डेढ़ साल का टाइम है, जब मेरे भाई के पास होंगे मनु पता तेरी जो कमेटी निकलनी है ना, जो तो कमेटी निकलेगी तो दे दी वापस। ये वाली ठीक है, हाँ ये अच्छी है ना। अच्छा so अब मेरे सैयद का एक जो है ना वो मुतालबा वो पूरा कर दो प्लीज, जहाँ पे कहोगे वहाँ पे। चलो फिर आज की जो इफ्तारी है आप करवा दे, ठीक है? क्योंकि आपकी गाड़ी लेने के बाद मेरे पास टोटल जो है अकाउंट में पैसे इतने रह गए कि मैं घर शिफ्टिंग कर सकता हूँ बस, उसके अलावा पैसे नहीं रह गए, ठीक है ना? आज अभी ट्रीट दे दे सानू उस्तादी करा दे, घर चले। चलो अपनी माँ को गाड़ी दिखाओ जाके, चलो ठीक है, मेरी माँ को भी दिखाओ और अपनी माँ को भी दिखाओ, चले चलते हैं जी। अम्मा को गाड़ी दिखाते हैं उसके बाद इफ्तारी का सीन करते हैं। चलो आइयो भट साहब, आइयो आइयो आइयो, अपनी माँ जाके जरा गड्डी बहाओ, उन्होंने को दुआवा लवो जरा। है टोर ही चेंज होगी मुंडे की, है भाई तू तो मिलना भी गया है, वाह 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 वाह, क्या अम्मा को बुला जरा, पहले ये वाली अम्मा को दिखा दे फिर घर जाके अपनी अम्मा को भी दिखा देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बस कर मेरी पहली गाड़ी का रंग यही था, और मेरी पहली गाड़ी थी यही गाड़ी, कल्टस 8 मॉडल, और ये 11 मॉडल है, और सेम कलर था गन मेटालिक, ठीक है, और सेम कलर है बट साहब की गाड़ी का, सही है जी। मैं कहा यार तू लेनी के नहीं लेनी, फिलहाल मेरी भतीजिया से गाड़ी ले आना, अल्लाह पाक उन्हें हुदानी नसीब करे, जिंदगी के लिए बरकत पाए, जाओ जरा राइड, शाबाश जा तू भी राइड ले ले कार लवर। ओए ईद मना लो, मेरे प्राण खत कराया जे, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, खत कराया। हां जी हां जी, आपकी लूमे चल रही है ना, बैठो शाबाश फटाफट करो, जाओ राइड लेके आओ। ओए पागल हो, मेरी माँ बैठी हो अंदर, राम लाल चला बेवकूफ आदमी, राम से पागल है तू, मम्मा को बिठा के ऐसी हरकतें कर रहा है। हां जी पुत्र गजल ने वीडियो देख ली ना, तू तो गया, कैसी गाड़ी है, मजे किया बहुत, आपको अपनी 8-9 साल पुरानी वाली गाड़ी याद आई कि नहीं? देखा बेटे ना तुम्हें दिन दोगी रात चली तरक्की दे, आमीन सुम्मा, सारे मेरे बच्चे अल्लाह पाक दे सही, छोटी हो बड़ी हो सफर, हां जी सवारी तो है ना, ऐसे ही बेशक ऐसे, इंशाल्लाह देखो अल्लाह ने बेटी के नसीब का, बेशक बेशक ऐसे ही, बिना वजह ही लंबा करी जा रहा था ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद मेरा पुत्र एनजी आनी है। हां जी अच्छा जी, अब आज की जो दावत है ना, जो आज की इफ्तारी है वो वाड़ की तरफ से है, ठीक है ना? ये पकौड़ियाँ शिकौड़ियाँ सब बंद कर दो, अब मम्मा ये चुपकर बाहर से खाना, बाहर से खाना, चलो घर पे खा लेंगे, बाहर से मंगवाना, ठीक है? एक दो दोस्त और हैं जैसे कि मांडो के साथ, उनको भी बुला लो, ठीक है? घर पे इफ्तारी कर लेते हैं, आपको अलग अलग ट्रीट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है? ओके अच्छा जी, अभी रह गया है सिर्फ हमारा 5 बज गए हैं, डेढ़ घंटा रह गया इफ्तारी में, आपसे मुलाकात होती है अब डेढ़ घंटे के बाद, आप घर से हो आओ, गाड़ी दिखाओ घर पे, जाके मेरी बहू को ढेर सारी दुआओं के साथ मुबारक देनी है, अपनी अम्मा को भी, और मेरी पोती नु चुमना, ओदे नसीबां दी आई है, जाके दाढ़ी नु पेंट भी करा ला जरा अज, ठीक है ना? जाके अम्मा नु बहा, भाभी नु बहा, काके मेरे नु लेके झूला झूला लै, इफ्तारी अजे छड़ना कर, कल उन्हां दे नाल कर ली, ठीक है? हां जो भी ठीक है, परसों हम जाएंगे, हैप्पी है बहुत ज्यादा यार, थैंक यू सो मच, लव यू मेरी जान, सही है आप तो रहिएगे, जल्दी आप, ठीक है? Okay, आपसे मुलाकात होती है अफ्तारी के दस्तरखान पे। One hour later. बेटा तू शियों के घर में बैठा हुआ है, 10 मिनट वेट कर ले भला, इसका रोजा खुल गया ना, तू 10 मिनट वेट कर ले। हमारे बीच में आज शिया सुनी वाला कोई कॉन्सेप्ट हुआ? शिया सुनी वाला कॉन्सेप्ट ना मेरे बीच में हुआ, ना तेरे बीच में हुआ, ना मैंने कभी अपनी फैमिली मेंबर के सामने किया। तू खोल ले, साइड में जाके खोल ले, तेनू हया नहीं आ रही, मनु अगे चक्कर आ रहे ने, तो मेरे सामने बैठ के नहीं खा रहा। अच्छा जी, सांस बड़ी मुश्किल से आ रहा है, 8-9 मिनट रह गए जिस तरह लग रहा है। आपका रोजा है भी कि व्लॉग कर रहे हो खाली? मम्मा जी पागल तो नहीं तुरा, ये इतना आवाज नहीं निकली ना मम्मा जी, मम्मा जी मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, कैसी बातें कर रही है, कह रही है जो मेरे अजमे का रोजा रजवली नहीं छोड़ता, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, खुदा का खौफ करो, आज तो जुमे का तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ता, तू कह रहा है आपको।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सिर्फ एक मिनट रह गया है स्टारी में। हमारे पास यहाँ पर है क्रीम चाट, फ्रूट चाट, दही बल्ले, चने चटनी, समोसा, पकोड़ा, उसके अलावा क्या भाई, कचौरी। कचौरी अम्मा ने बनाई है, कचनार और कीमा, वो भी आ रहा है। आ जाए यार, आ जाए। तूने कर लिया ना रोजा इफ्तार? जाब घर शाबाश, पहुंच जल्दी कर। हरिया भरिया पहुंच के मैसेज कर दी मुझे। रोजा खाली अफ्तार ही है, अभी रोजा खोलना है। अच्छा हाँ, अभी खोलना भी है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मोए मोए। आज मम्मा जी पढ़ लो पहले, फिर फातिहा पढ़ लो पहले, फिर आप ऐसे। पहले मेरी फातिहा ये आइयो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। आया आया भैया, मम्मा जी खा लिया उन इजाजत है, पढ़ ली फातिहा। सुनाओ सरकार, रोज़ा नहीं लग रहा है? जिड्डी जिड्डी तेरी मोछे, तुम्हें चार चार दिन का लंबा रोज़ा रखना चाहिए, यकीन कर। सुकून का नाम सुना? पानी से पी ले पहले। यार मम्मा पानी पी लो, शादी हो जाती है, खाया नहीं फिर कुछ जाता। आपकी मेहरबानी, बाद में पी लूंगा पानी। पानी पी लो। वैस मजा आ रहा है? आ जा भाई। जबरी क्या कसम से तेरा दिमाग चलता है कि दूध को तूने हाथ ही लगाया, खाने पीने में कमी ना आ जाए मेरे। ना बात तो सही है, मैंने जब से होश संभाला ना, ये दूध या जामेश्वरी मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मैं सारा दिन भूखा रहता हूँ कि आज तो मैं इफ्तारी में जी भर के खाऊंगा, एक गिलास दूध का या पानी का पीता हूँ, उसके बाद खाया नहीं जाता मेरे से। अब पिछले एक साल से खजूर खाता हूँ, पानी को हाथ नहीं लगाता, जूस को हाथ नहीं लगाता, दूध को हाथ नहीं लगाता, सिर्फ खाने पीने पर ध्यान देता हूँ। एंड पे इसका मैं ऊपर तैयार लगाता हूँ बस। आ जा भाई। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बट साहब, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इफ्तारी ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। ओए गिफ्ट नहीं गा पुत्र, पैसे देने ने ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਅਭੀ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਖੈਰ ਸੇ ਚਲਾਓ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਕੋ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜ ਕਰੋ, ਯਾਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਚ ਬਰਗਰ ਪਾਏ ਮੋਰ। ਆਮੀਨ। ਸਲਮਾਨ ਤੁਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿ ਤੁਮਨੇ ਲਗਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि बट साहब घर पे इसलिए नहीं है कि बट साहब आज गए हैं बीपाकदमन, बीपाकदमन से सीधा चले गए अपने भाइयों के पास। ब्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। हमारा आज का मकसद यही था कि रिजल्ट जितना बांट के खाया जाए उतना बढ़ता है, कुंज कुंज के उन्हें जमा कर करे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों अम्मा जी? हाँ जी, बांट के खाओ और बढ़ता है और बरकत डलती है। ब्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बट की गाड़ी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी कैसी नहीं लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, होती मुलाकात कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।